हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं, तो मेरे घर में आई है हरी हरी मेथी। तो मैं इसकी बनाने वाली हूँ भुजिया। उधर मैंने मेथी काटी है, इधर मैंने आलू काट के धो कर के रखे हुए हैं, और इधर मैंने दो टमाटर काटे हैं सब्ज़ी में डालने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, ये हो चुकी है गर्म। दोस्तों सर्दियों में सब्जियां बड़ी मस्त मस्त आती हैं, गाजर, मूली और पत्ता गोभी, गोभी। मुझे सर्दियों की सब्जी बहुत पसंद है। तो हरी हरी सब्जी बनाने के लिए मैंने डाल दी उसमें आलू। हम बनाएंगे मेथी की भुजिया, थोड़े से डालेंगे कच्चे टमाटर ऊपर से। इस तरीके से बनाइए, टमाटर डाल के भुजिया बड़ी अच्छी बनती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और कुछ नहीं डालना है इसमें, बस एक टमाटर काफ़ी है इसके लिए। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से चलाते हुए। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और दोस्तों आप ध्यान रखिए, तीखा कम से कम खाएं, ज़्यादा स्वाद के चक्कर में ना पड़ें। थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे और बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसको। हरी सब्जी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो हमारी भुजिया बनकर के तैयार हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें, एकदम गर्मा गर्म। इसको बाजरे की रोटी से या किसी से भी खा सकते हो, बाजरे की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब सर्दियों में बाजरे की रोटी भी बनेगी। तो चलिए अब हम दूसरी सब्जी की तैयारी करते हैं। दोस्तों आज मैं तीन सब्जी बना रही हूँ। एक तो मैंने भुजिया बनाई है, और ये मैं प्याज तल लूँगी अच्छे से, और इसको मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। इसमें सर्दियों में कढ़ी भी बड़ी मज़ेदार लगती है, एकदम से गर्मा गर्म। थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे। मैं तेल में ही मसाले भून लेती हूँ। इस तरीके से करार बना करके सब्जी बनाओ तो कढ़ी अच्छी बनती है। ये मेरी सासू माँ बनाया करती थी इस तरीके से। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ देंगे तो कढ़ी फट जाएगी। इस तरीके से देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। और ये लीजिए, कढ़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे ऊपर से, और इसका कलर भी कितना अच्छा है आप देख सकते हो, देखते ही खाने का मन करेगा। इस तरीके से बनाइए, पुराने ज़माने के लोगों की कढ़ी बहुत ही स्वाद लगती है। तो चलिए तीसरी सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने राजमा उबाल करके रखे हुए हैं, ये थोड़े गर्म हैं इसलिए हो रहे हैं। और हमारी कढ़ाई हो चुकी है गर्म, तो इसमें छोड़ देंगे जीरा, प्याज, अब डालेंगे टमाटर। दोस्तों ये वीडियो मैंने अलग तरीके से शूट की हुई है, मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट और प्यार देना। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। सारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से लगातार भूनेंगे। और अब राजमा डाल के मिक्स कर देंगे इसको। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म राजमा भी बनकर के तैयार हुए। तो आपको कैसे लगे ज़रूर से बताएं। और फिर से बोलूँगी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सपोर्ट करें। और ये देखिए, राजमा की सब्ज़ी देखने में कितनी सुंदर लग रही है, उससे ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों दिल से